नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेवई। तो उससे पहले अगर यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो यहाँ पे मैंने सेवई लिया है, शुगर, घी और बादाम, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है। तो यहाँ पे मैंने ये मोटे वाले सेवई यूज कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे भून लेती हूँ। मैंने गैस पे, देखिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध है, तो मैं मुझे पूरा दूध नहीं डालना है, मैं 1/2 लीटर ही दूध यूज करूँगी। तो गैस यहाँ पे ऑन है, ये गर्म हो चुका है, तो मैं घी डाल देती हूँ, ये भी गर्म हो गया है, तो सेवई भून लेना है इसमें। मुझे सेवई को अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ही रहना है, मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्की ब्राउन, आप चाहे जिससे पसंद है आपको वैसे भून सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेवई थोड़ी थोड़ी भून चुकी है, देखिए ये सेवई हो गया है, तो मैं निकाल देती हूँ, भून चुका है। तो मैं निकाल करके दूसरे बर्तन में रख दी हूँ। देखिए मैं 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ, साथ में मलाई भी मैं ऐड कर रही हूँ, इसे चला लेना है अच्छे से ताकि मलाई मिक्स हो सके। देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, तो दूध बॉयल होने लगा है, तो मैं डाल देती हूँ इसमें सेवई भुना हुआ, डाल करके इसे चला लेनी है। देखिए ये बॉयल हो रहा है, कितने अच्छे से सेवई पक रहे हैं देखिए। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ही रहना है, फ्लेम को मीडियम में रखी हूँ, आप चाहें तो मीडियम में पका सकते हैं या फिर थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये सेवई हो गया है मेरा, मुझे ज़्यादा ठीक नहीं करना है, तो मैं साथ में शुगर डाल देती हूँ, डाल करके इसे चला लेना है। देखिए इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डाल लेना है, इसे भी अच्छे से चला लेनी है। देखिए मैं ये गैस ऑफ कर रही हूँ और ढक करके 10 मिनट तक इसे छोड़ देती हूँ मैं। देखिए 10 मिनट हो चुका है, तो मेरा सेवई बनकर रेडी हो चुका है, देखिए कितने अच्छे सेवई बना है। तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनता है। तो थोड़ी सी मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देती हूँ, बहुत यमी बनता है सेवई।